हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। आज हम बात करेंगे 28 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं आज के बिग अपडेट के साथ आज के क्वेश्चनों पर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी रस्किन बीन, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए। जैसे हाल ही में एयरफोर्स का एग्ज़ाम होना है तो पुस्तक रिलेटेड यानी बुक रिलेटेड से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक नंबर का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वीं सदी के मध्यतम टेस्ट बैट्समैन के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो अभी सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो इन्हें सन 2014 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत रत्न मिला था और या जीके रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो क्या थी? प्ले इट्स माई वे। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे लॉरेल हेवर्ड का संबंध किससे है? तो एथलीट से। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करें लॉरेल हेवर्ड की, तो ये क्या थे? ये वेट लिफ्टर थे यानी भारोत्तोलक थे। ठीक है, और ये किस देश से संबंधित थे? तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित थे और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई भी कर लिया है, तो शामिल भी हो जाएंगे, इतना याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, यहाँ पर टीवी है, 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन डी 5वें स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ए भी बन सकता है कि टॉप पर कौन रहा है, तो ये भी देख लेते हैं। टॉप पर USA रहा है। ठीक है, और सेकंड पर चाइना रहा है, और बात करें थर्ड की, तो थर्ड पर हांगकांग रहा है और फोर्थ पर सिंगापुर रहा है। ठीक है, सिंगापुर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व ड्रग्स रिपोर्ट 2021 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये प्रदीप सिंह टिकना बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की एन वी रमन, तो ये 48वें भारत के न्यायाधीश हैं। ठीक है, और बात करें शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े, तो ये 47वें न्यायाधीश हैं भारत के थे। ठीक है, और जो दीपक कुमार हैं ये 46वें थे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशु कंट्रोल रूम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, रखा है? तो किस राज्य ने? तो कर्नाटक ने। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जान है तो जहान है की पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लोगन है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान समय में सबसे माननीय ब्रांड कौन सा है, यानी वैल्यूबल जो ब्रांड है वो कौन सा है? तो अमेजोन। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बात करें अमेजोन की, तो इनके अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सत्य नडेला। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।